नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉनपॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और रेल हादसा। बोकारो में एक मालगाड़ी रनिंग कंडीशन में ही दो भागों में बट गई और इसकी दो वैगन पूरी तरह से बेपटरी होकर पलट गए। ओवरहेड तार और मास्क के क्षतिग्रस्त हो जाने से रेल परिचालन बुरी तरह प्रभावित रहा। बोकारो बहादुरगढ़ डाउन मालगाड़ी टुपक डी से पार करते समय दो हिस्सों में बट गई और इसके दो वैगन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर उलट गए, बेपटरी हो गए। ट्रेन के दो हिस्सों में बट जाने से घटना तुपकडी और राजा बेड़ा सेक्शन के बीच संख्या को पार करते वक्त हुई। इस दुर्घटना से ओवरहेड तार और मास्क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जिसकी वजह से रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा। इस मार्ग पर अप और डाउन लाइन पर रेल आवाजाही बंद हो गई। घटना की वजह से डाउन लाइन ट्रैक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। इस घटना को देखते हुए आरपीएफ बोकारो की 15 सदस्यीय टीम मौके पर पहुंची। अभी इस कारण का पता नहीं चल पाया कि घटना कैसे घटी। इस रेल मार्ग पर रेल यातायात शुरू करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। इस हादसे से रेल यातायात ठप पड़ गई है। घटना की वजह से ओवरहेड तार को बड़ी क्षति को और दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल इस घटना की जाँच स्थानीय स्तर पर की जा रही है। इस हादसे की वजह से रेल को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की सुरक्षा को लेकर काफ़ी कुछ कहा सुना जा रहा है। दरअसल सरकार की ओर से उनसे तीन गाड़ियां वापस मांगी गई, जबकि चंपाई सोरेन ने सभी गाड़ियां वापस कर दी और अब चंपाई सोरेन और हेमंत सरकार के बीच तल्खियां बढ़ती जा रही है। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने अपनी सुरक्षा में राज्य सरकार की तरफ से दी गई सभी गाड़ियाँ वापस कर दी है। दरअसल सरकार की तरफ से उनसे तीन गाड़ियाँ वापस मांगी गई थी। इस बात पर उन्होंने सभी गाड़ियों को वापस कर दिया। बताया जा रहा है कि उनको एक सफारी गाड़ी दी गई थी जिसका एसी भी काम नहीं कर रहा था, इसलिए उन्होंने सारी गाड़ियों को लौटा दिया। पूर्व सीएम के प्रोटोकॉल के हिसाब से ये असंवैधानिक मामला है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा प्राप्त है। बताया जाता है कि सरकार की ओर से उनको तीन वाहन वापस करने के लिए कहा गया था, लेकिन चंपाई सोरेन ने अपनी सुरक्षा में लगी सभी छः वाहनों को राज्य सरकार को वापस कर दिया है। माना जा रहा है कि इससे आने वाले दिनों में चंपाई खेमे और जेएमएम खेमे के बीच की दूरियां और बढ़ेगी। मांग लिया तो हम वापस कर दिया, जो नंबर से आ गया था वही हमला मांग लिया तो तुरंत वापस कर दिया। क्या कहेंगे सरकार की? देखिए आप क्या उसमें हमको कुछ नहीं करना है। हम संघर्ष से निकला हुआ व्यक्ति हूँ और संघर्ष के समय जनता हमको सुरक्षा दी है और अभी भी जनता सुरक्षा देगी। अब है तो आप लोग मांग लिया तो उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे दादा। तो राज्य सरकार हमको ये सब मतलब नहीं आए, आपस बोला तो आपस कर दिया है। उधर दूसरी ओर सोनारी क्षेत्र में लव जिहाद का मामला गरमाने के बाद सक्रिय हुई पुलिस ने बंगाल के मेदिनीपुर से दोनों प्रेमी युगल को पकड़कर शहर लेकर पहुंची। सिटी एसपी ने स्पष्ट किया कि मेदिनीपुर का निवासी है युवक और बांग्लादेशी नहीं है। सोनारी थाना क्षेत्र में लव जिहाद मामले से जमशेदपुर सिटी एसपी ने कहा कि कल अपने घर से युवक के साथ भागने का एक मामला आया है। जांच के उपरांत पता चला कि युवक और युवती बंगाल के मेदिनीपुर में रह रहे हैं, जिसके बाद एक टीम गठन किया गया, जिसके बाद टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बंगाल के मेदिनीपुर से दोनों को सही सलामत बरामद कर लिया, जिसके बाद जाँच में ये बात सामने आई कि युवक बंगाल के मेदिनीपुर का ही रहने वाला है। युवक के बांग्लादेशी होने से सिटी एसपी ने साफ इनकार किया है। हालांकि युवक जमशेदपुर में ही बिल्डर के यहाँ नौकरी करता है। उन्होंने कहा कि दोनों को सोनारी थाना लाया गया है, युवती का कोर्ट में बयान कराया जा रहा है। पूरा मामला ये है कि कल सोनारी थाना क्षेत्र से हम लोगों को एक व्यक्ति के द्वारा आवेदन दिया गया था कि उनकी बेटी को एक युवक के द्वारा बहला फुसला के ले जाया गया है। उसी के अनुसंधान के क्रम में हम लोगों ने एक टीम का गठन किया, जिसने की त्वरित कार्रवाई करते हुए जहाँ पे भी लड़की का लोकेशन आ रहा था वहाँ पे वो लोग गए और लड़की भी हम लोगों को बरामद हुई है। लड़की को सकुशल हम लोग ले आए हैं और लड़की का मेडिकल कराया गया है और जो कोर्ट में उसका बयान होता है वो भी करवाया जा रहा है। दो साल के अंदर एक ही स्कूल में तीन बार हुई चोरी की घटना ने पुलिस को दबाव में ला दिया है। गोड्डा जिले के पहाड़पुर हाई स्कूल के चोरों ने इन्वर्टर, बैटरी, कंप्यूटर, प्रिंटर आदि चुरा लिए हैं। गोड्डा जिले के मोहरमा थाना क्षेत्र के पहाड़पुर हाई स्कूल में बीती रात अज्ञात चोरों ने कीमती सामान चुरा लिए। बताया जाता है कि हाई स्कूल पहाड़पुर में पहले भी दो बार अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है, परंतु चोरों पर कार्रवाई करना पुलिस के लिए चुनौती बन गई है। इधर बीते मंगलवार की रात्रि फिर एक बार
उन्होंने यहां चोरी की घटना को अंजाम दिया और इन्वर्टर, बैटरी, 180 एम्पियर, कंप्यूटर, प्रिंटर, सीपीयू आदि चुरा लिए। इतना ही नहीं, साल 2023 में भी अप्रैल महीने में चोरों ने जमकर चोरी का सामान उड़ा ले गए, जिसके बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगी। इधर वर्तमान थाना प्रभारी नीतीश अश्वनी बड़े ही कार्रवाई के क्षेत्र में मास्टरमाइंड दारोगा माने जाते हैं। ग्रामीणों को उम्मीद है कि जल्द ही थाना प्रभारी चोरों को दबोच लेंगे। देखिए, जब पहली बार जब यहाँ पे भीषण चोरी हुई थी तो इसकी सूचना मैंने, जैसा कि विभागीय प्रोटोकॉल होता है, कि थाना में दिया। थाना के बाद हमने शिक्षा विभाग को दिया, इसके बाद आगे भी बड़ी पदाधिकारी को भी इसकी सूचना दी और बार बार ये आश्वासन मिलते रहा कि जल्दी कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन अब तक उसमें सफलता नहीं मिल पाई। फिर पुनः दूसरी बार भी हुई और इसकी भी सूचना हमने प्रॉपर चैनल के माध्यम से विभाग को दी। साथ ही इस बार तीसरी बार भी इस तरह की घटना हो चुकी है। अब टीचर्स क्या करेंगे, टीचर्स जहाँ तक हम लोग का था कि हम लोग ने शटर लॉक लगवाया या फिर अपने स्तर से जितना मजबूती प्रदान करना था गेट को, ग्रिल को, वो सारी चीज़ें हमने की। अपनी सात सूत्री मांगों के साथ धरने पर बैठे कोल्हान विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के पदाधिकारी के साथ विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक के द्वारा दुर्व्यवहार के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बुधवार को शिक्षक संघ से जुड़े लोगों ने विश्वविद्यालय भवन के सामने धरना किया। शिक्षक संघ के कार्यवाही अध्यक्ष संजय कुमार सिंह और महासचिव इंदल पासवान ने परीक्षा नियंत्रक को बर्खास्त करते हुए उनके खिलाफ जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि वे अपनी सात सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान उनसे बात करने के लिए प्रभारी कुलपति हरि कुमार केसरी पहुंचे थे। उनसे वार्ता हो रही थी कि इसी बीच परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर ए के चौधरी सारे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए बीच में कूद पड़े और शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार किया। कि हम लोगों ने 23 तारीख को शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया था इसी विश्वविद्यालय मुख्यालय में और हमारी वार्ता बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से वाइस चांसलर से हो रही थी। उसमें हम लोग टाकू के हमारे अध्यक्ष, महासचिव और कुछ सचिव और उपाध्यक्ष थे, ये चार लोग ही धरना पे थे। वाइस चांसलर नीचे आके हम लोगों से बात कर रहे थे, उनके साथ थे रजिस्ट्रार और एग्जामिनेशन कंट्रोलर। सारी अपनी अपनी समस्याओं को हम लोग रख रहे थे जो लंबित समस्याएं हैं। जब परीक्षा की समस्या उठी उसी समय कंट्रोलर महोदय रोष में आ गए और हम लोग भीसी से बात कर रहे थे, वो बीच में कूद गए और उन्होंने हम लोगों को कहा कि हम लोग किसी के मोहरे हैं। जितिया बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पर्व है। इसमें माताएं द्वारा निर्जला व्रत रखी जाती है जिससे संतानों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना की जाती है। जितिया व्रत में माताएं निर्जला व्रत रखती है, यानी पूरे दिन बिना जल या अन्न ग्रहण किए व्रत करती है। व्रत का प्रारंभ सप्तमी तिथि को नहाए खाए से होता है, जिसमें महिलाएं स्नान कर शुद्ध भोजन ग्रहण करती है। अष्टमी के दिन वे व्रत रखती है और नवमी के दिन पारण कर व्रत को समाप्त करती है। इस दौरान जितिया माता की पूजा की जाती है जो संतान की सुरक्षा और लंबी उम्र की देवी मानी जाती है। इस पर्व में माँ के संतान के प्रति असीम ममता और आस्था का प्रतीक है और इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। किस प्रदेश की महिलाएं ज्यादातर मनाती है? यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम?
हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं। तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारे समस्या का समाधान हमारे पास हो। ओ क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला, बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के, वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा। एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का, चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दात के डी 9308081071 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन, उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। इंडियन बेकरी, स्पेशलिस्ट इन केक एंड कॉन्फेक्शनरी आइटम। ऑनलाइन बुकिंग फैसिलिटी, स्पेशलिस्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ पेटी, एगलेस केक, बर्थडे केक, एनिवर्सरी केक, वेडिंग केक। Anniversary cake and school order specials. Please do visit with your friends and family.